कुछ राजकुमार जी के विचारों को मैंने सुना, तो चाहे वो सर्जरी का विषय हो, चाहे और किसी माइनिंग का क्षेत्र हो, ट्राइबल के और भी ऐसे विषय हो, उनके किसी नीतिगत पॉलिसी से संबंधित विषय हो, कई ऐसे अफेक्टेड एरिया हैं, नर्मदा से बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, उनके लिए रिसेंट के मामले हो, और इस समय ये जो अलग अलग है केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश में भी अनुभव आए हैं कि फॉरेस्ट के भीतर खासतौर से सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनकी भी लड़ाई हमारे साथ में है, परंतु उनमें से कितने लोग हैं हमारी इस लड़ाई में उसकी गंभीरता को लेते हैं। उनके दो पक्ष होते हैं, एक एक्टिविस्ट का काम है कि देश के हित में सुझाव देते हैं कि भाई यहाँ पर ये जंगल है, ये जंगल ही रहना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि आदिवासी प्रभावित होता है तो ये आदिवासी को मिल जाए। इसे दो तरह से कोई मैंने अनुभव किया कि उनका बड़ा क्लियर कंसेप्ट नहीं। मैंने कई बार देखा, मैं पिछले दिनों एक विषय आया था कि जब नक्सलवादियों का विषय आया था तो उसके मूवमेंट के विषय में मैं भी गया था। उस समय हमारे अग्निवेश जी थे, ब्रह्मदेव शर्मा जी भी थे जी। और जितने भी इस प्रकार के अलग अलग है जो देश भर के जो इससे क्षेत्र में काम करते हैं, तो मैंने उन लोगों को भी कहा, क्योंकि मैं चूंकि आदिवासी होने के नाते मैं देश के पूरे तस्वीर को देखा है, तो मेरा जो मन कहता है मैंने साफ बोला, मैंने कहा दीदी आप लोग नौकरशाह रहे हैं, आज इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जब आपके हाथ में पावर है और जब पावर रहता है उस समय कोई इस प्रकार के निर्णय करने की चेष्टा आप लोग नहीं करते, आप सरकार या जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सेक्रेटरी, जितने भी इस प्रकार के जो लोग रहते हैं, सरकारों को सुझाव देने का काम उनका ही रहता है, वो किधर हवा को मोड़ सकते हैं वो उनके हाथ में रहता है। हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम कोई विशेषज्ञ नहीं है, दुनिया को चलाने वाले वही लोग हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि आज जब हम इस काम में आ गए, चूंकि हमको समय पास करना है कि हमारी लाइफ कितनी है, 60 साल में रिटायरमेंट के बाद हम अपनी लाइफ का 10-15 साल जो भी है हम उसमें से इसी समय गुजारते हैं, तो ये समय गुजारने वाला काम है। मैंने कहा इसके परिणाम अच्छे नहीं, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आप कंक्रीट सुझाव आप देंगे। मैंने कहा नक्सलवादियों के बारे में, मैंने कहा पूरे देश भर में आदिवासी मारे गए, कौन जिम्मेदार इसके लिए? सरकार जिम्मेदार या हम जिम्मेदार या कोई ना कोई व्यक्ति तो कहीं ना कहीं किसी कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो होना चाहिए ताकि उसका समाधान हम निकाल सके। ऐसे भी विषय आते हैं और इसलिए मैं कई बार मैंने ऐसे बैठकों के अंदर भी कहता हूं, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों से लड़ा है। हमारा मंडला बहुत पहले 90 के समय में बहुत नक्सलवादी प्रभावित था। मैंने एक एक परिवार, जितने लोग जेल के अंदर गए, मैंने जेलों में जा जा करके लोगों से मिला और सबको बाहर किया। हमारे वहां के कुछ लोग शायद जानते होंगे, मैंने सब परिवारों को बाहर किया। इसके बाद उदाहरण में देता हूं देश में कि एक भी घटना नहीं हुई, उसका कारण ये है कि हम अगर गलत काम शोषण अगर हम रोक पाए, भाई अगर कलेक्टर रेट मजदूरी है तो कलेक्टर रेट मजदूरी देने में दिक्कत क्या है, अगर उसमें भी हम कटौती करेंगे तो स्वाभाविक है जो बेरोजगार आदमी है वो अपना दाल रोटी उसमें भी चलाएगा कि भैया तुम हम गलत कर रहे हो तो उसमें हिस्सा हमको भी दो। यही लड़ाई है, कारण यही है देश में। इसको आप किस रूप में मानते हो ये है, अगर है संघर्ष करने वालों को समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं तो उनके लिए इस प्रकार के लोग भी कभी कभी सहभागी बनते हैं। मैंने देखा उड़ीसा इसके अंदर, आसाम के अंदर जब उल्फा लोगों ने मारा वहां पर हमारे लोगों को, जिसमें बिहार यार के लोग उड़ीसा के लोग थे, गोली चला दी सरेआम 13 लोगों पर। सरकार ने मुझे कहा कि भाई जाओ आप देख के आओ क्या है, मैंने गया लोगों से परिवारों से बातचीत किया तो यही समझ में आया कि जो चाय बगान में लोग काम करते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं
वो बाहर रहते हैं, कोई विदेश में रहता है, यहाँ ठेकेदार में लगा दिए कि आधा शोषण करना, आधा तुम खाओ और बाकी बचे तो हमको, तो प्रॉपर्टी तो हमारी है, वहां भी अनुभव है। तो इस प्रकार के देश में आज इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, इनसे लड़ने का काम मुझे लगता है इस प्रकार के जो नीचे स्तर पर काम करने वाले लोग अगर ठीक लड़ सकते हैं तो इससे लड़ाई और कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। इसलिए मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है देश भर के कि वो केवल सरकार पर उनका क्या प्रभाव रहेगा, एक साल सब तो खड़े कर देना, उससे कोई निर्णय नहीं। हम सरकारों से बैठ के बात करें, इसमें से जो अनुभव आया उस अनुभव के आधार पर कि भैया ये आदिवासी हित में नहीं है और इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर कुछ काम करना है आदिवासी के लिए तो इसके लिए ये आवश्यक है, आप इस दिशा में काम कीजिए। हम अगर इस रूप में सुझाव देंगे तो मुझे लगता है कि हम एक बार नहीं बार बार ऐसे काम करें, सरकारों को मजबूर करें इसके लिए, कोई भी सरकार नहीं, तो ये काम हमारे संगठनों को करना चाहिए। बाकी जो लोग हैं मैंने देखा उसमें भी, अभी मैं जमीन के विषय में भी बहुत बार मैंने कई बैठकों में किया, उसके बारे में नीतिगत फैसला कोई भी, कोई पुनर्वास नहीं होती, पूरे देश भर में आदिवासी प्रभावित होता है। क्या इस देश की तरक्की के लिए आदिवासी ठेकेदार हैं क्या? तो जब अगर आदिवासी की मिनरल्स माइंस जो भी है आदिवासी इलाके के अंदर, क्या उसको हम भागीदार नहीं बना सकते क्या? ये भी एक पक्ष, अगर भागीदार हो गया तो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रभावित परिवार है आप उनको नौकरी चाकरी देंगे, कंपनसेशन जो भी देते हो उसको सम्मानजनक तरीके से आप दीजिए और उसके दाल रोटी के भविष्य की चिंता भी कर। अगर उससे रेवेन्यू जितना मिलता है उसके लिए कौन है? अगर में कोई कंपनी है, कोई सरकार की एजेंसी हो सकती है, अगर उसमें जितने प्रभावित इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए आखिर में उनको हटाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और जब वो हट गए तो उतने परिवार तो खत्म हो गया, उनका रिकॉर्ड से दूसरे दिन नाम भी चला गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनके बाकी आधार कार्ड और ये है। मुझे बस्तर का अनुभव आया, ऐसे 40 गांव मैंने बस्तर के अंदर देखा छत्तीसगढ़ में पिछले समय, ये सारे प्रभाव के कारण लोग अपनी जान बचा करके घर छोड़ करके जमीन जायदाद छोड़ करके चले गए, बाद में वीरान बता दिया। अब वो किसके पजेशन में है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी फॉरेस्ट की है, रेवेन्यू की है, ये कौन बताए? मैंने पिछले समय चीफ सेक्रेटरी थे, पहले हमारे मध्य प्रदेश में ही थे वो अधिकारी, बाद में अब रिटायर हो गए, तो उस समय जब मंडला ज्वाइन किया था वो प्रोफेशनर में आया था तो डिंडोरी या गांड न्यूज का, तो बातचीत करते करते मैं चेयरमैन था तो मैंने कहा ये बताइए आप कि ऐसा लोग कहते अखबारों में या लोग चर्चा करते हैं हमारे आपस में कि भाई इतने लोग कम हो गए, उनकी आबादी कम हो गई, गांव वीरान हो गए, क्या है सही स्थिति? तब उनने बताया कि ये सही है, तो मैंने कहा उनके लिए क्या किया आपने? कहा वो तो चले गए, पता नहीं कौन है, क्या है, कैसे, उनका नाम गांव भी खत्म हो गया। तो ये जो आबादी है आप देख सकते हैं देश भर में ऐसे कितने आदिवासी परिवार जो आबादी है उस आबादी में से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, आदिवासी की आबादी कम, ये भी बड़ा एक कारण है, ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर में इसको हम बराबरी में हम हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं, इसको कैसे मेंटेन करें, क्या इसका तरीका अपनाएं, ये भी मुझे लगता है इसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन करना चाहिए।
आज हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आपका रिजर्वेशन की